तो आज बप्पा का जन्मदिन है और पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। 7 सितंबर है आज गणेश चतुर्थी का पर्व, पूरा देश मना रहा है। मरुधरा में भी तमाम मंदिरों में सुबह से ही कतारबद्ध बप्पा के जो तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम भक्त हैं, वो लाइनों में हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को यानी आज शुभ संयोग बन रहे हैं। ये गणेश चतुर्थी ब्रह्म इंद्र रवि और सर्वार्थ सिद्ध योग में है। प्रदेश भर के गणेश मंदिरों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ा दिखाई दिया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की विहंगम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बारिश के बीच में प्रथम पूज के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो देखी गई। सुबह से ही राजधानी जयपुर में बरसात का दौर चला, लेकिन बरसात को चीरते हुए लोग बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उनको भोग लगाने के लिए, करीब से देखने के लिए, निहारने के लिए। 7 दिनों का पूरा उत्सव दरअसल चला है। मोती डूंगरी की अगर हम बात करें तो हमने मोदकों की झांकी देखी, हमने देखा किस प्रकार से मेहंदी अर्पित की गई। हर एक दिन अलग अलग इवेंट रहा और गजब का उत्साह जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें दिखाई दिया है 7 दिनों में। आज चूंकि गणेश चतुर्थी है, अब ऐसे में सुबह से जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई उसमें बड़े पैमाने पर कतारबद्ध बारिश में लोग खड़े दिखाई दिए और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गुंजायमान पूरे राजस्थान, पूरे देश में। घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं जी राजस्थान के माध्यम से गणपति बप्पा के। हमने आपको सिद्धि विनायक की तस्वीरें भी सुबह दिखाई थी, हमारे सहयोगी गए थे वहां से, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। वो एक ऐसा मंदिर गणपति का जहां पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, वहां पर भी लंबी कतारें दिखाई दी। मोती डूंगरी के बाहर भरी बरसात में लोग दंडवत होते हुए पहुंचे आज बप्पा के दर्शन करने के लिए और गणपति बप्पा मोरिया के गुंजायमान नारे जो है वो दिखाई दिए। गणेश चतुर्थी का ये शुभ अवसर और इस शुभ अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गजब का उत्साह जो है वो दिखाई दिया है। लाल डूंगरी गणेश मंदिर की आप बात कर लीजिए, मोती डूंगरी गणेश मंदिर की आप बात कर लीजिए, सिद्धि विनायक की आप बात कर लीजिए, सुबह से ही इन तमाम मंदिरों में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधा मंदिरों से लाइव जुड़े हुए हैं ताकि आप तक हम बेहतरीन और शानदार तस्वीरें पहुंचा पाएं कि आखिर क्या उत्साह है आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से दीपक गोयल हमारे सहयोगी आपको लाइव मिल रहे हैं, लाल डूंगरी से हमारे सहयोगी सचिन कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोती डूंगरी मंदिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी दीपक वहां से मौजूद हैं। दीपक, सुबह से ही हमने देखा भारी बरसात में भी जो तमाम श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अपने बप्पा का जन्मोत्सव मनाने के लिए डटे रहे। इस वक्त की क्या तस्वीरें जरा दिखाइए और क्या माहौल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मोती डूंगरी गणेश मंदिर में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद अब भगवान श्री गणेश यानी कि गणपति बप्पा का जो जन्मोत्सव है राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर गूंज सुनाई दे रही है गणपति बप्पा मोरिया की, और यही गूंज है छोटी काशी जिसे कहा जाता है, जिसे लाल डूंगरी मंदिर से लेकर सिद्धि विनायक मंदिर या मोती डूंगरी गणेश मंदिर और जयपुर के हर दरवाजे जहाँ पर जयपुर की एंट्री होती है वहाँ पर जो भगवान श्री गणेश जो विराजमान है वहाँ भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। और आज सुबह इंद्रदेव भी पूरी तरीके से मेहरबान है, यानी कि ये कह सकते हैं कि आज ये गिफ्ट गणपति बापा के जन्मदिन पर भगवान इंद्रदेव ने अपने बारिश करके यहाँ पर दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको मोती डूंगरी गणेश मंदिर की दिखाते हैं। देखिए, मौसम सुहावना बना हुआ है, ये तस्वीरें देख लीजिए। थोड़ी हाइट से हम तस्वीरें इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये आस्था का सैलाब किस तरीके से उमड़ा हुआ है वो आपको तस्वीरों में नजर आए कि किस तरीके से जो लाइन और उसके अंदर जो कतारों में लगकर जो भक्त हैं वो कितनी तल्लीनता से भगवान श्री गणेश के दर्शनों के लिए घंटों यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। ये देखिए, 5 लाइन आपको देख रही होगी, एक तख्तेशाही रोड से आ रही है और एक JDA सर्किल से लाइन आ रही है और दूसरी लाइन शायद हम जो MD रोड है वहाँ से आ रही है, यानी कि एक पास विंग वालों की लाइन है जो भगवान श्री गणेश के ऊपर से जो मंदिर का ऊपर है वहाँ से दर्शन कर सकते हैं, जो साइड बिरला मंदिर के सारे पैरेलल जो
लाइन आ रही है और ये दो लाइन जो चार लाइनें आपको दिख रही हैं और दूर तक यदि आप देखेंगे तो आपको भक्तों का जो सैलाब छाता लिए हुए लोग खड़े हुए हैं क्योंकि बारिश इंद्रदेव है कभी भी मेहरबान हो सकते हैं और ये छाते ये बताते हैं कि आपकी आस्था कितनी अटूट है, कितनी आपकी आस्था है, आपकी जो आस्था की जो डगर है वो कहीं डगमगा नहीं रही है। भगवान भले ही इंद्रदेव है परीक्षा ले रहे हैं लेकिन आपकी आस्था कहीं डगमगाती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि आज सुबह से भगवान इंद्रदेव मेहरबान है और बारिश के बीच में गणेश चतुर्थी घरों से लेकर मंदिरों तक मनाई जा रही है और ये गणेश चतुर्थी का उत्सव जो किसे कहा जिसे जयपुर के अंदर डंका चौथ भी कहा जाता है, कल सिंजारा हुआ था, भगवान श्री गणेश को यहाँ पर कह सकते हैं मेहंदी है वो अर्पित हुई थी, डंके हैं वो अर्पित हुए थे और जो नौलखा जो और ये तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं वाकई अद्भुत हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो डटे हुए हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या श्रृंगार किया गया आज के दिन, ये पूरे 7 दिन उत्सव के कैसे रहे इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन लाल डुगरी मंदिर में चलना जरूरी क्योंकि हमारे सहयोगी सचिन वहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, आपने सुबह सिद्धिविनायक की तस्वीरें दिखाई, वहां पर अद्भुत नजारा हमने देखा, लाल डुगरी गणेश मंदिर में क्या उत्साह इस वक्त? देखिए, सुबह आपको तस्वीरें दिखाई सिद्धि विनायक मंदिर की और अभी मेरे साथी दीपक सर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, सारी मोती डुंगरी की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं लाल डुंगरी जो गणेश जी का मंदिर है उसकी तस्वीरें आप देखिए और अद्भुत जो प्रतिमा है गणेश जी महाराज की, आज जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है, कह सकते हैं कि आप तस्वीर अगर ध्यान से देखेंगे आशीष तो आपको यहाँ पर गणेश जी के एक दांत दिखेगा केवल, बाकी आप अगर प्रतिमाएं देखेंगे मोती डुंगरी की, अगर आप प्रतिमा देखें सिद्धि नायक की अगर देखें या नहर की गणेश जी की अगर आप देखें तो दांत आपको दो दिखेंगे, लेकिन इस प्रतिमा की खास बात यह है कि आपको एक दांत दिखेगा और जो उसकी प्रतिमा की सूंड है यानी कि गणेश जी महाराज की सूंड है वो आपको दक्षिण मुख दिखेगी, यानी कि राइट साइड में आपको जो मूर्ति की जो सूंड है वो आपको दिखेगी। जो लोग है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, 400 वर्ष के कहें कि 400 वर्ष पुराना जो मंदिर है इसकी एक अलग महिमा है। देखिए, महंत है यहाँ के मंदिर के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की क्या प्रतिमा है, क्या इसकी खूबसूरत है, खूबसूरती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये दक्षिणानमुखी है, दक्षिणानमुखी मूर्ति प्रतिमा है और दाहिनी सूंड के गणेश जी कहलाते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और ये योगी स्वरूप है गणेश जी का, इनकी जो विग्रह है पूर्ण ओंकार स्वरूप है, ये इनका जो स्टोन है नवरंगा पत्थर है उसकी उस पाषाण से बनी हुई मूर्ति है, इसमें 9 रंगों की छटा है। अब आप उसके 9 रंगों की संज्ञा दे लो, 9 रसों को संज्ञा दे लो, 9 रत्नों की संज्ञा दे लो, 9 ग्रहों की संज्ञा दे लो, यह तांत्रिक मूर्ति है। प्राचीन टाइम पर यहाँ पर मंत्रों को जब मंत्रों का जाप करके उनसे यंत्र को सिद्ध किए जाते थे, आज भी वो चीज़ यहाँ मौजूद है। ये जो तपोभूमि है संतों की तपोभूमि है, अद्वैत संप्रदाय के संतों की तपोभूमि है, यहाँ पर 10 पीढ़ियों का इतिहास है। सबसे प्रथम यहाँ पर घनश्यामपुरी जी महाराज पधारे थे, उसके बाद में सबसे आखिरी अपने अद्वैतानंद जी महाराज पधारे थे। सामने जो आप समाधि देख रहे हैं आनंदपुरी जी की शरीर समाधि है, ये काफ़ी पुरानी समाधि है, यहाँ से ही शिष्य परंपरा शुरू की गई है अद्वैत संप्रदाय की। ये स्थान संबत 1777 ईस्वी के अंदर भीखचंद जी पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा स्थापना की गई है मूर्ति की, और आज ये स्थान काफ़ी वर्षों से अद्वैत संप्रदाय का स्थान रहा है और यहाँ पर गणेश सच्चिदानंद ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। देखिए आशीष, आपको याद होगा सवाईमाधोपुर में एक मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी महाराज, ये मूर्ति आप दोबारा देखिए, मैं हमारे जो कैमरा साथी है देव प्रकाश वो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्र जो है वो गणेश जी के आपको नजर आएंगे, एक आपको याद होगा सवाईमाधोपुर में जो त्रिनेत्र गणेश जी महाराज है गणपति बापा की जो मूर्ति है वहां पर भी 3 नेत्र है और यहां पर भी कह सकते हैं कि लाल डुंगरी में आपको त्रिनेत्र गणेश जी महाराज देखने को मिलेंगे। अब और कर दर्शनार्थी आए हुए हैं, उन दर्शनार्थियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और महिमा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मंदिर की विशेषता है और कितने समय से लोग बाग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, दर्शन किए हैं गणेश जी महाराज के, गणेश चतुर्थी है आज, क्या कहेंगे? मुझे आकर बहुत अच्छा लगा,
और यहाँ पर आने से हर मनोकामना पूरी होती है। मैं आज छोटी से बड़ी हो गई, हर बार यहाँ दर्शन करने आती हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप कितने साल के हैं, कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं अभी 18 साल की हूँ और मैं छोटी से बड़ी हो गई, हर बार मैं यहाँ दर्शन करने आती हूँ। हर बुधवार आते हैं आप? बुधवार नहीं, हर गणेश चतुर्थी। बाकी यहाँ पास में मेरी नानी का घर है। बिल्कुल सचिन, आप बातचीत जारी रखिएगा, मैं लौटूंगा, आप बातचीत जारी रखिएगा। देखिए, उत्साह यही है जो भी आपने दिखाया। लोग कह रहे हैं कि कोई कहता है कि मैं 20 सालों से आ रहा हूँ फला मंदिर में, कोई कहता है मैं 35 सालों से आ रहा हूँ, हर बुधवार को गणेश जी के दर्शन के लिए वो आते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आज के दिन जो गणेश मंदिर है, चाहे किसी की आप बात कर लीजिए, गजब का उत्साह जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ सचिन आप भी बने रहिएगा, क्योंकि ये अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। कोशिश हमारी यही कि तमाम तस्वीरें घर बैठे दर्शकों तक पहुँचाते रहें, दर्शन कराते रहें। वक्त छोटे से ब्रेक का।